मेरा नाम अशरफ है, मेरा इरेज और मेरा अमर, एंड वेलकम टू वीक रूट्स। तो यार इस मंथ ना हम लोगों ने यार इंडिया की काफी वीडियोस पे रिएक्ट किया है और मोदी जी की वीडियोस पे हमने काफी रिएक्ट किया जो उन्होंने तुर्की की हेल्प की थी। तो यार उसके बाद यार एक वीडियो आई उनकी जिसमें उन्होंने जापानीज प्रधानमंत्री को उन्होंने गोलगप्पे खिलाए। हम ये वीडियो कैसे मिस करते यार, दो लीडर्स हैं अलग अलग मुल्क के और दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं। हमने आम लोगों को तो खाते हुए देखा है, हमने खुद भी खाए हैं, लेकिन यार देखो अलग बात होती है जब लीडर्स खाते हैं। सही बात है यार, अलग ही वो मतलब मजा आता है देखने में। तो रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया गोलगप्पा डिप्लोमेसी विद जापानीज पीएम। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि हमारे वीडियो का रिव्यू एंड में देते हैं। भारत के अंदर जापान के प्रधानमंत्री का हुआ जबरदस्त स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री को पार्क के अंदर खिलाए गोल गप्पे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के लीडरों का स्वागत। दुनिया के देशों को कैसे करना चाहिए, दुनिया के देशों को भारत से सीखना चाहिए। भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, उनका तो भारत के अंदर दिल ही लग गया। भारत के स्टेडियम, एयरक्राफ्ट कैरियर, होली की सेलिब्रेशन, अलग अलग इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का दिल ही लग गया। भारत के अंदर जर्मनी के चांसलर आए, उनका भी दिल लगवा दिया हमने। भारत की कम्युनिटी के साथ उन्हें चाय पिलाई, अलग अलग इवेंटों में उन्हें एक पेशकश की और उनका दिल लग गया। फिर इटली की प्रधानमंत्री आई, उनका भी भारत के अंदर दिल लग गया। उनकी भी ये विजिट बहुत सक्सेसफुल रही और अब जापान के प्रधानमंत्री आए हैं, उनके साथ भी भारत अपनी गोल गप्पा डिप्लोमेसी के साथ सामने आया है। दोस्तों आज का जो दिन है बहुत सुहाना है, मौसम बहुत साफ है, ठंडी हवा चल रही है। ऐसा एक बदलता हुआ मौसम है, इस हवा में सांस लेने से ही दिल गदगद हो जाता है और ये अच्छी हवा आज दिल्ली के अंदर भी चल रही है। और इसी के मौके का फायदा उठाकर भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली का दौरा करवाया। मौसम सुहाना था, तस्वीरें भी बहुत सुंदर आ रही थी और यहाँ पर जो बोधिसत्व वृक्ष है यहाँ पर उन्हें फूल चढ़वाए गए और विजिटर बुक में जापान के प्रधानमंत्री ने अपना संदेश भी लिखा। दोस्तों ये बुद्ध जयंती पार्क है और ये बोधिसत्व का जो वृक्ष है इसकी खासियत ये है कि श्रीलंका से ये बोधिसत्व वृक्ष लाया गया था। 2500 साल पूरे होने के ऊपर ये बुद्ध जयंती पार्क की स्थापना की गई थी और इस पार्क के अंदर स्वर्ण मूर्ति भी है। और यहाँ पर फूल अर्पित करने के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने संदेश लिखा और फिर भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक छोटी सी टिप भी दी। टिप क्या थी? टिप थी लस्सी की। सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री को लस्सी बनाना सिखाया और फिर गोलगप्पे बनाकर उनको एक टेस्ट भी करवाए और जापान के प्रधानमंत्री भी गोलगप्पों का स्वाद लेकर गदगद हो गए। हालांकि अक्सर आपने लीडरों को चाय पीते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो कप आप देख रहे हैं ये लस्सी का कप है, आम पन्ने का कप है, गोल गप्पों की एक डिश है। ये सारा इवेंट आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया और जापान के प्रधानमंत्री को भी भारत का कल्चर देखने को मिला। बेसिकली लस्सी बनाने से पहले थोड़ी मेहनत भी जापान के प्रधानमंत्री की करवाई और मेहनत करवाने के बाद उन्हें आम पन्ना भी टेस्ट करवाया गया और गोल गप्पा भी टेस्ट करवाया गया और वाक्य में ही उन्हें ये काफ़ी अच्छा लगा। खैर ये एक तस्वीरें निकली हैं, आपका क्या कहना है जापान के प्रधानमंत्री के वेलकम के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि जापान के प्रधानमंत्री भारत आए हैं तो कुछ बातें भी हुई होंगी, आपके मन में सवाल होगा, वो बातें भी बता देते हैं। जापान के प्रधानमंत्री भारत के अंदर आए और उन्होंने कहा कि भारत और जापान के रिलेशनशिप को हम और भी बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले सालों के अंदर दोनों देशों के अंदर टूरिज्म को हम बढ़ाना चाहते हैं और इंडियन रेलवे के अंदर जो बुलेट ट्रेन चलनी है उसको लेकर भी बातें हुई। इसी के साथ G7 की प्रेसिडेंसी जापान के अंदर हो रही है, उसका न्योता भी भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने दिया और भारत के प्रधानमंत्री ने उस न्योते को स्वीकार किया। मई महीने के अंदर G7 का समिट होने जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री मई महीने के अंदर G7 हिरोशिमा समिट के अंदर हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने G20 समिट के लिए सितंबर का न्योता भी जापान के प्रधानमंत्री को दे दिया है
और ये सारी डेवलपमेंट आज निकली है और बेहतरीन तस्वीरें आज बेहतरीन मौसम में आज देखने को मिली। वाओ यार, मोदी जी ने क्या वार्म वेलकम किया है भाई, जब भी पीएम का मजा आ गया। वैसे हमारा भी दिल कर रहा था यार, सुबह ही सुबह गोलगप्पे खाने का। हाँ, और लस्सी, ओए होए होए यार। वैसे सही है यार, पीएम खुद ही यार उनको लस्सी बनाना सिखा रहे हैं, कैसे बनाई जाती है, अपना कल्चर दिखा रहे हैं, उनसे भी मेहनत करवा रही है। सही है यार। बाकी पार्क कितना मस्त था यार। जिस दिन जब एक लीडर ना लीडर की तरह सोचता है ना, तभी वो मुल्क आगे बढ़ता है। सही हाँ। और अगर ये सोचेगा ना यार मैं पीएम हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, तो फिर वो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। ना उसका ना उसके मुल्क का। सही बात है। बाकी ये वीडियो कमाल की थी, गोलगप्पे जो खा रहे थे ना, हमारे मुंह में पानी आ रहा था। हाँ। यार मुझे ये वेलकम का तरीका बहुत अच्छा लगा यार, उनको बुला के उनके साथ लस्सी भी मतलब गोलगप्पे खाए। यार ये सीन बड़ा फिट है सबसे, फ्रेंडशिप तो बढ़ानी है यार, मतलब कनेक्शन सही करने, सही तरीके से करे ना, जिस तरह होता है जैसे आप किसी घर में जाते हो, किसी को मिलने जाते हो, चाय पानी तो पूछते हैं ना। हाँ। तो वही सीन है यार। और हाँ। वो भी अपना कल्चर दिखा के, तो यार ये चीज जो है ना, देख के अगला इंसान जो है ना सही मुतासिर होता। हाँ। बोलता है यार ये तो बंदा मेरे से फ्रेंडली है, मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करता। हाँ। है तो इसके साथ फैमिली की तरह रहेंगे। तो ये भाई बातचीत करने आए थे, मतलब कि दोनों कंट्री का जो रिलेशन है वो पक्का करना चाह रहे थे। और बुलेट ट्रेन और जापानीज ट्रेन का भाई कोई ना कोई कनेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ तो होगा। सही बात है। बाकी यार आपको तो पता होगा कि इंडिया में ये लाइन मशहूर है, अतिथि देवो भव। हम अभी सही नहीं कह रहे, जो करेक्ट है वो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, है ना। हाँ। तो इसीलिए भाई ये जो है मतलब खातिरदारी में बहुत अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं इंडियन। सही बात है यार। और मेन मकसद जो था इनका टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करना था, इंडिया और जापान का। हाँ। कि भाई टूरिज्म बढ़ सके दोनों तरफ और लोग एक दूसरे की कंट्री वगैरह देखे। हाँ। क्योंकि यार आजकल ना, आजकल बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है ट्रैवल करना, बहुत ही। अगर आपके पास पैसा है तो हर कुछ हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन कुछ कंट्रीज वगैरह में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ये तरीक़ेकार होता है, कनेक्शन अच्छे करो उस कंट्री के साथ, ताकि आराम से ट्रैवल कर सको। पहले वक्तों में ये होता था, लोग यार पैदल चल पड़ते थे, कोई बॉर्डर नहीं था। हाँ। तो आजकल बॉर्डर है, तो आजकल ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। सही बात है। बाकी यार वो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि जो भी आ रहा था उसे चाय जरूर पिला रहे थे ना। हाँ, हाँ। सही है ना यार, अपना कल्चर दिखा रहे थे। बाकी गाइस हमारा रिव्यू यहीं तक था। ये बिल्लू देखो कैसा बैठ गया, सो गए के जाग रहे जाग। जब भी हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ना, आगे बैठ जाता है। हाँ, इसको नींद आ जाती है। नहीं, हमारे साथ ये भी रिएक्शन देता है ना। वो उठ गया, चलो गया था, मैं उठ गया। अभी कब बोलो, इधर आ जा। नहीं मेरे पास नहीं, छोड़ो बस। फिर गाइस अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपको वीडियो शो रही होगी ये जरूर देखिएगा। हाँ, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।